कम ऑन विराट, चौका। फिर आया यार, बस यही तो है ना, यही तो बात है ना, मैं बोल रहा हूं ना, ज्यादा रिस्क नहीं यार इस पिच के ऊपर भाई। विराट का गया, विराट कोहली की विकेट मिली, विराट कोहली, ये बहुत बड़ी विकेट मिल गई पाकिस्तान को, ये बॉल नहीं थी आउट होने वाली। अब बस यही बोलूंगा भाई, रोहित शर्मा को एंड तक खेलना पड़ेगा। कप्तान साहब छे नहीं गई, कहां है यार, ये हवा में है, ये हवा में, मैं बता रहा हूं। नो 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 यार, भाई दो में हर बार यही होता है, छह ओवर में दो विकेट दे दी यार, पावर प्ले के अंदर दो विकेट चली गई, रोहित कोहली दोनों चले गए आपके सबसे बड़े बैटर्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रिकेट। दोस्तों हाईलाइट्स आपने देख ली हैं, चंद सेकंड्स के बाद फुल वीडियो की जानिब चलेंगे। भारतीय मीडिया जो कि बहुत ही पुरजोश था कि आज इंडिया बहुत ही बड़े रन से पाकिस्तान को हराएगा, लेकिन उनकी पूरी टीम 119 रन पर ढेर होगी। जब विराट और रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए तो भारतीय मीडिया बहुत पुरजोश था, लेकिन दोनों की विकेट गिरते ही भारतीय मीडिया में सफ़ेद मातम बिछकी। मजीद जानने की फुल वीडियो में भारतीय मीडिया का रिएक्शन, मगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पावर प्ले निकले, बस कम ऑन विराट, चौका। भाई आप इंटेंट देखो कि सेकंड बॉल पे नसीम शाह की बाहर निकल के आ गए विराट कोहली डाउन द ट्रैक, जो पहले से विराट ने तय करा हुआ था कि पूरे जो आईपीएल जिस तरीके से खेले अग्रेसिव स्टाइल से। भाई साहब फुल स्क्रीन पे आ जाइए, मेरे को तो पसीने आ रहे हैं भाई, विराट टेंशन। फिर आया यार, बस यही तो है ना, यही तो बात है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा रिस्क नहीं यार इस पिच के ऊपर भाई। विराट का गया, विराट कोहली की विकेट मिली, विराट कोहली, आपने विराट को ही बोलना था कि आपने तेज खेलना है, जो भी है, इतनी बाहर की बॉल थी ये चौके वाली बॉल, बट हाथ में मार दी, और ऐसा कुछ नहीं करा पिच ने, बाय द वे पिच ने ऐसा कुछ नहीं करा है इसमें, फेंकी विकेट, ही वॉज वेरी वेरी अग्रेसिव, पहली बॉल पे चौका लगा, टाइमिंग का बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरी बॉल के ऊपर, दूसरे बॉल के ऊपर जो हुआ, मैंने तभी बोल दिया कि डिसाइड करके आए हुए कि मैंने अग्रेसिव ही खेलना है, चाहे आउट के ना जाओ, और सीधा हाथ में मार दी, ये बॉल नहीं थी आउट होने वाली यार, ये बहुत बड़ी विकेट मिल गई पाकिस्तान को, ये बॉल नहीं थी आउट होने वाली। अब बस यही बोलूंगा भाई, रोहित शर्मा को एंड तक खेलना पड़ेगा, विकेट फेंक देना रोहित शर्मा को, यही तो यार, इस पिच के ऊपर अभी तक हमने कोई इतनी मूवमेंट नहीं देखी, कोई इतनी ज्यादा बाउंस नहीं देखी, कोई ज्यादा अनइवन बाउंस नहीं देखा, हवा बना हुआ था, पिच का इतने दिन से चल रहा था, लेकिन आज शाहीन की छह बॉलें और नसीम की ये तीन बॉलें, कोई इतना कुछ नहीं करा पिच ने, बिल्कुल भी कुछ नहीं करा, सीधी हाथ में बॉल मार दी। चलो प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने विराट का रोल जो डिफाइन करा है ना, आपने सारा रिस्क बोला विराट को लेगा। आयरलैंड वाले गेम में भी मुझे ये बड़ा हैरान था मैं देख के कि क्यों ये विराट की गेम ही नहीं है ये, आप जाके जबरदस्ती के रिस्क, ये आईपीएल नहीं चल रहा है भाई, ये इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, आईपीएल नहीं चल रहा है, खत्म हो गया, वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे अननेसेसरी, ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, सेकंड बॉल पे डाउन द ट्रैक आ गए थे, ये विराट कोहली की नेचुरल गेम नहीं है, ही लाइक्स टू गेट हिज आई इन, और वो टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर है सबसे। तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। ये क्या सीधा फील्डर लिया बाहर? किधर का? ये सीधा फील्डर क्या दिखा रहा था क्या बाहर? सीधा तो अभी नहीं होगा, एक पता नहीं क्यों दिखा रहा था वो, ये भी नहीं का। ओ यार, विराट कोहली का विकेट ले लिया, विराट कोहली आउट हो गए, मतलब इसको खराब शॉट, खराब शॉट ही कहोगे आप, थोड़ा सा खराब क्या, बहुत ही खराब बॉल ही, मतलब नथिंग बॉल, छोड़ दे तो शायद ये विकेट। हाँ, तो ये है ना कि विराट कोहली के दोनों डिसमिसल जो रहे हैं, मतलब अनवांटेड एक तरीके से, कोई रिक्वायरमेंट उनकी वहां पर थी नहीं कुछ भी, पिछले मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट, और आई थिंक वो लेडी फैन दिखाई होगी, सेम ऐसा रिएक्शन लग रहा है, वो मार दिया, कोई जरूरत उसकी वहां पर लगनी थी, दूर से खेल किसान फेल हो गए, रेयर इवेंट, विराट कोहली तीन गेंदों पर चार रन बनाकर आउट हो गए, और नसीम शाह मतलब इससे काफी उन्होंने जिंदगी में बहुत इतनी अच्छी बॉलें डाले, पर विकेट खराब बॉल पे, विकेट खराब बॉल पे, बड़ा विकेट मिला, बहुत तगड़ा खराब बॉल डाला है, तगड़ी बॉल यार, हमने पहली बॉल जो देखी, पहली बॉल भी कप्तान साहब छह नहीं गई, कहां है यार, ये हवा में है, ये हवा में, मैं बता रहा हूं, नो 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 यार, भाई दो में हर बार यही होता है, छह ओवर में दो विकेट दे दी यार, पावर प्ले के अंदर दो विकेट चली गई, रोहित कोहली दोनों चले गए आपके सबसे बड़े बैटर्स।
कोई मूवमेंट भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो लगे पड़े बिल्कुल भी हर बार यही होता है। मैं कल से यही बोल रहा हूँ आप लोग हर बार यही होता है मैं कल से यही बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट द कंडीशन रिस्पेक्ट द कंडीशन यार फॉर गॉड सेक कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। विराट वाली बॉल आउट होने वाली बॉल नहीं थी रोहित वाली बॉल आउट होने वाली बॉल नहीं थी विराट आउट हो गया रोहित शर्मा आप तो टिक जाओ यार अच्छा खासा चश्मे लग रहे थे विराट का तो चलो उसने फिर भी वर्ल्ड कप में बनाया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट रन यार आप क्या कर रहे हो लगातार पांचवा फेलियर रोहित शर्मा का यार और आज तो टच में लग रहे थे यार उनको जो चाहिए था उनको मिल गया बारिश भी मिल गई पिच भी मिल गई बॉलिंग भी मिल गई क्या इतना खतरनाक कुछ टर्न हुई क्या इतना खतरनाक कोई स्विंग हुई क्या इतना खतरनाक कोई बॉल उठी नीचे रह गई कुछ हुआ कुछ नहीं हो रहा पिच पे आप जबरदस्ती पता नहीं माइंड में क्या मेकअप करके आओगे हम तो मारेंगे ही मारेंगे तो मार लो फिर विराट की बॉल इतनी बाहर की बॉल चौका मारा इतना प्यारा रोहित ने इतना अच्छा छक्का मारा हम हमें खड़ी कर दी बॉल यार कल से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि इन्होंने पता नहीं क्या करना है आपको यह डिसाइड करना था इस पिच पे कि जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोल चुके हैं कि भाई 150-160 इज अ गुड स्कोर देन व्हाई आर यू बीइंग सो ओवर एग्रेसिव जब विराट भी आउट हो चुका है कुछ तो टाइम स्पेंड कर लो ऋषभ को बोलो ना मार ले आप क्यों अपना रिस्क ले रहे हो सबसे बड़े बैटर रोहित शर्मा हमारे सबसे बड़े बैटर हमारे विराट कोहली है दोनों रिस्क ले रहे हो दोनों चले इससे अच्छा तो जायसवाल को खिला लो यार वो आउट होता तो कोई टेंशन तो ना होती आप सबसे बड़े बैटर खुद ही आउट हो गए हो दोनों एक तो रह जाता एक तो रह जा मैं यही बोल रहा था पंत ठीक है खेल रहा है अब अक्षर पटेल को भेज दिया अक्षर पटेल को भेज दिया इन्होंने अक्षर सूर्य को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही अब बताओ ना आप रीजन है सूर्य कुमार यादव नंबर वन बैटर इन द वर्ल्ड टी ट्वेंटी के उनको भेजने की हिम्मत नहीं हो रही इस टाइम पे क्या ऐसा पिच में हुआ वैसे बताइए जरा विकेट फेंक के आप दोनों आए हो हर बार का यही तमाशा है अक्षर पटेल प्रमोट कर दिया आपने यार अक्षर पटेल को भेज दिया अक्षर पटेल चलो अच्छा भी कर ले भाई सूर्य कुमार यादव फिर किस बात का नंबर वन बैटर इन द वर्ल्ड है ये बता दो जरा मुझे कोई मुझे समझा दे जरा ये आज भाई विकेट चली जाती है जल्दी भी चली जाती है ऋषभ पंत तीन पे नहीं आ रहा वैसे तुम्हारे राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनते आज नहीं होगा तुम्हारा राइट लेफ्ट एक लेफ्टी पहले ही है तुमने दूसरा अक्षर पटेल भेज दिया बचने के लिए ये क्या नाइट वॉचमैन टी ट्वेंटी में नाइट वॉचमैन भेजा है आपने हिम्मत खत्म हो गई भाई पहले जब रोहित और विराट इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं तो एकदम से दो विकेट गिरने के बाद आप पैनिक क्यों कर जाते हो और मैं कल से बोल रहा हूं कि यही टेंशन है यहां पर यह पिच आसान नहीं है और इवन दो आज कुछ हुआ नहीं पिच पे स्टिल यू कुड हैव प्लेड बेटर विद अ कॉशन रन तो उनसे भी नहीं बनेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको रन उनसे भी नहीं बनेंगे ढंग के रन तो लेकिन आप कम से कम एक स्टैंडर्ड के रन तो पहुंचो और ये क्या मूव है वैसे अक्षर पटेल को भेजने की कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नहीं कोई सूर्य कुमार यादव नहीं उनके लेफ्टीज होंगे ना लेफ्ट आर्म पेसर के लिए टैकल करने के लिए भेजा उसको तो ऋषभ पंत क्या कर रहा है वहां पे आमिर भी आएगा ना लेफ्ट आर्म पेसर के लिए भेजा तो विराट कोहली को ना फिर जायसवाल को खिला लेते आप नहीं जायसवाल को खिला देना फिर आप इस लॉजिक के हिसाब से विराट रोहित ना करते ओपन इतने लॉजिक लगा रहे हो लेफ्ट आर्म पेसर को काउंटर करने के लिए भेज दिया इसको काउंटर करने के लिए हो गया ऐसे नहीं चलती क्रिकेट